दोस्तों पाकिस्तान को हुई अब आईपीएल से दिक्कत। दरअसल जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि यार इंडिया में तो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने हजारों करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं, वो तुरंत समझ गया कि अगर इतना पैसा पंपिंग हो रहा है मतलब आईपीएल एक्सपैंड हो रहा है। अब पाकिस्तान से ये चीज हिली नहीं, उन्होंने फटाफट से जाकर के आईसीसी को कंप्लेन भी करी कि यार आप आईपीएल को इतना बड़ा स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते कि साल में इतने सारे दिन आईपीएल ही चल रहा है और उस समय कोई और मैच भी नहीं हो सकता। लेकिन आईसीसी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा क्योंकि आईसीसी का तो 85% ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से ही निकल करके आता है। इनफैक्ट अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो आईपीएल ऐसी पहली बॉडी थी जिसने T20 फॉर्मेट को प्रमोट किया। इनफैक्ट आईपीएल की सक्सेस देखने के बाद में बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो या फिर पाकिस्तान सुपर लीग, ये सब एक्जिस्टेंस में आए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान तो ये भी सोचा कि बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के साथ में मिलकर के एक एंटी इंडियन लॉबी बनाए और आईपीएल को जैसे तैसे रोकने की कोशिश करे, बट ये भी वर्क शायद ना करे क्योंकि आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया का भी जो मेजर एड रेवेन्यू है, पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी इनफैक्ट इंडिया पर ही रिलाई करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे आईपीएल को ब्लॉक करके। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।